प्रणाम दोस्तों, मैं अरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। चैनल मैसेज लेके आई हूँ हमारे डीएम एंड डीएफ के लिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि आप बहुत टाइम से, यानी कि जब से 99 का पोर्टल निकला है और उसके बाद जैसे तैयारी हुई है फुल मून के बाद नए पोर्टल की, तब से आप जो नोटिस कर रहे हैं कुछ चीज़ें, उनके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि वो आपसे क्या कहने वाली हैं। क्योंकि आज का जो चैनल मैसेज है वो आप सभी के लिए अलर्ट मैसेज है। अगर आप नहीं सुनते हैं, नहीं डिवाइन के मैसेजेस को एंड साइन को फॉलो नहीं करके या नहीं समझ के या समझ के भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइन का इंटरवेंशन आपको भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं एक बेसिक सी चीज़ जो आप कॉमन सभी को अधिकतर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मली सबको ये मैसेज आपके लिए पहुंच गया होगा डिवाइन की तरफ से, कि रिसेंटली मैंने आप 11-11 या 1-1 की सिंक्रोनिसिटी बहुत फील कर रहे हैं अपनी एनर्जी में, या फिर 9-1-1 या फिर 0-1-1-1 या फिर 8-1-1-1, मतलब ये एक जोड़े की जो नंबर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ 1-1-1-1 नंबर की, तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। इसका दिखने का जो रीज़न है, सबसे पहले उन लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 2 से 3 ऐसे मैसेज हैं जो मैं देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव चैनल मैसेज है तो सभी के साथ में अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो फैमिलिन एंड मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी टॉक्सिक थॉट में घिर जाते हैं या नेगेटिविटी में चले जाते हैं या फिर उनको फियर घेर लेते हैं, या रिसेंटली आपने अपने जर्नी पे या पर्सन पे या अपने जॉब पे या अपनी खुद की किसी चीज़ पे या किसी हॉबी पे डाउट किया है, तो आपके लिए मैसेज है कि अगर आप नहीं रुकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है ना, कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा आना होता है या फिर आप कुछ अच्छे के लिए काम कर रहे होते हैं, तभी आप डाउट क्रिएट करने लग जाते हैं, डर आपको सताना शुरू कर देता है और जिसके चलते वहाँ से जो आउटकम आता है वो आपको और ज़्यादा हिला के रख देता है, आपके जीवन में और ज़्यादा टावर मोमेंट ला के रख देता है। तो ये एक डिवाइन का आपके लिए एक ऐसा समझो कि थप्पड़ समझ लो या डांट समझ लो या उनका प्यार समझ लो, कि अगर इस बार आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर इस बार भी आपने उसी सेम पैटर्न को यूज़ किया तो आपके जीवन में एक ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट होगा। टावर कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, मैं यहाँ पे शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि आप सभी टैरोज देखते होंगे। तो टावर मूवमेंट का मतलब है कि आपको ना डिवाइन ऐसे कंडीशंस में डाल देंगे कि आपको ना चाहते हुए भी एक्शन के मोड पे आना ही होगा, और जब तक आप एक्शन के मोड पे नहीं आएंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ऐसे चैनल मैसेज दे रही हूँ, बट प्लीज़ ये एक अलर्ट मैसेज है, या तो आप समझिएगा, नहीं समझेंगे तो फिर शायद आपको टाइम समझाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उन लोगों के लिए, यहाँ पे जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत अच्छे अपने रास्ते पे चल रहे हैं और उनको भी 11-11 नंबर दिख रहा है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम की उस जर्नी में टैप इन कर चुके हैं, आप उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पर आने के लिए हर सोल तरसती है, एंड जहाँ पे जाने के बाद जो जीवन की एक नई शुरुआत होती है, नई बिगनिंग होती है। वो कौन सी शुरुआत होती है? जैसे कि एक होता है ना कि अभी आपने बहुत सारे टाइम्स को देखा, मोमेंट्स को देखा, सेपरेशन को देखा, इनर वर्क किया, अपने साइकिक पावर को भी देखा, अच्छी चीज़ों को भी देखा, बुरी चीज़ों को भी देखा, लेकिन अब आपका टाइम है नई चीज़ों में आगे बढ़ने का। यहाँ पे आप बढ़ेंगे अपने साइकिक पावर के साथ साथ, आप अपने यूनियन में भी पहुँचेंगे, यूनियन को रिसीव करेंगे। ना केवल रीयूनियन आपका होगा बल्कि यूनाइटी में आ पाएंगे, बल्कि आप सभी सोल को भी, यानी कि जो सोल पीछे रह गई हैं, जो सोल थोड़ा सा
अभी भी बचकानी हरकतें कर रही हैं या बचकानी उसमें हैं, उनकी एनर्जी को भी इम्ब्रेस करेंगे, उनकी एनर्जी को भी आप पुश करेंगे एंड उनको भी खींचने का आप एक मैग्नेट के तरह काम करेंगे, तो आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। लेकिन आपके साथ में मैं बता दूं कि डिवाइन की फोर्स इतनी मतलब आपको सपोर्ट करेगी, इतनी हेल्प करेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये मैसेज जो सुन रहे हैं, जो सभी सही रास्ते पे चल रहे हैं, पॉजिटिविटी पे चल रहे हैं, तो आपके लिए एक और मतलब एक और बात कहना चाहूँगी कि इस टाइम आपको ईगो बहुत परेशान कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा ये आ जाए कि यार मैं तो पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ नई नई एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मैं दूसरों की लाइफ को चेंज कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरे किसी को छूने से, मेरे किसी से बात करने से, मेरे किसी को कुछ बोल देने से उसकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, वो अच्छी खुशियों को पा रहा है, उसकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो वो चीज़ वहाँ थोड़ा सा आपको ना ईगो में लेके आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको पावर मिली है, आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए ही मिली है और आप दूसरों में ही बांट के चले जाएंगे, ठीक है? आपके लिए ये है कि आप जब दूसरों के लिए हेल्प करेंगे तो आपके भी हाथों में वो खुशबू रहेगी, आपकी भी हाथों में वो महक रहेगी और आपका जीवन भी महकता रहेगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँ 11-11 की नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। जिन लोगों के बॉडी पेन बहुत हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, क्राउन पे पेन हो रहा है, या रूट पे कहीं ना कहीं इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर हार्ट चक्रा पे इश्यूज़ हो रहे हैं, और इस बीच में भी आपको 11-11 नंबर दिख रहा है, सीधा सिंपल सा मैसेज है आपके लिए कि अपनी ऊर्जा को, जैसे 1-1-1-1 एक सिंक्रोनिसिटी बन रही है, ऐसे ही आपको 1 बाई 1 बाई अपनी स्टेप्स लेने हैं। स्टेप्स इन द सेंस कि आपको ना पुराना जो पैटर्न है, जिसे आप बार बार खींच के ला रहे हैं, जैसे एक होता है ना कि चीज़ों को खींचने का काम करते हैं लोग, जो वो नहीं करना है, उसे या तो ख़त्म कीजिए या तो उसे बंद कीजिए, नहीं तो ये जो एनर्जी का टाइम निकल शुरू हुआ है 10-10 से लेके 11-11 पोर्टल तक, यानी कि 11-11 पोर्टल तक आते आते आप फिर वही चीज़ को क्रिएट करेंगे, फिर वही टावर मूवमेंट, फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जाएंगे, फिर वो बहुत बड़े बदलाव एंड बहुत सारी अशेंशन के साथ में आप गुजरने के मूड पे आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं मानती हूँ आपके सराउंडिंग में चीज़ें हो सकता है अच्छी ना हो, थोड़ी सी सरफेस लेवल पे चल रही हो, थोड़ी सी पीक लेवल पे हैं, जिसके वजह से आपको हर्ट हो सकता है, बट आपकी यहीं पे परीक्षा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर का स्टैंड खुद लेना है। आप स्वयं मालिक हैं अपनी एनर्जी के, तो आप के ऊपर डिजर्व करता है कि आप अपनी एनर्जी को किस जगह देना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट करने के मूड पे हैं। जहाँ पे आप दूसरों के लिए जो सोचेंगे, दूसरों को जैसी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, वहीं वहीं से आपकी एनर्जी जो है हाई वाइब्रेशन में या लो वाइब्रेशन में आना शुरू हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी एनर्जी का यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि जिनको भी 11-11 एंड 369 नंबर जिनको दिख रहा है, आपके लिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से मैं एक बार बधाई देना चाहूँगी कि आपका जो रीयूनियन है वो बहुत करीब है। सबसे बड़ा तो यही आपके लिए प्लस पॉइंट है, और दूसरी बात कि आपका साइकिक पावर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है, जिसके चलते ना आपको बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं और आप उनसे घबरा भी सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है, और जितना हो सके मेडिटेशन पे ध्यान देना है। अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से ये ऐसा टाइम है, ये एक तरह से ऐसा दरवाज़ा है जहाँ आप प्रवेश करेंगे, जहाँ आपकी सारी चीज़ों का हल मिलेगा, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, सारी प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, और आप इनलाइटमेंट के साथ साथ डीएम एंड डीएफ की एनर्जी में मतलब यूनियन में आ जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, रीयूनियन भी आपका हो जाएगा, मैरिज लाइफ भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एंड आप मैरिज में आकर भी लाइफ को और दूसरों के लिए सर्वाइव करना शुरू कर देंगे एंड दूसरों के लिए पर्पस करना शुरू कर देंगे। तो आपके लिए ये सारे रास्ते जो हैं खुल रहे हैं, लेकिन फिर से मैं यही रिपीट करूँगी कि ये एक अलर्ट मैसेज है। अगर जो भी यहाँ पे नहीं समझेगा इन चीज़ों को, तो डिवाइन आपका बहुत बड़ा
टेस्ट ले सकते हैं, बहुत बड़ा आपको एक परीक्षा से होके गुजार सकते हैं। ये छोटे छोटे सिस्टम्स आपको परेशान करने के लिए डिवाइन की तरफ से हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जी में और निखार लाने के लिए, समथिंग कुछ और लर्निंग कराने के लिए डिवाइन थोड़े छोटे 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 स्टेप्स आपके लाइफ में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको इस लाइफ को एक गेम के रूप में लेना है कि अगला पड़ाव जो आएगा उसे पार करना है, अगले लेवल को पार करना है, फिर अगले लेवल को पार करना है। इस तरह से आपको उस चीज़ से, उस कंडीशन से अटैच नहीं होना है, बल्कि डिटैच रह करके आपको ऑब्जर्व करते हुए इन चीज़ों को हल करना है या हील करना है, ठीक है। साथ में मेरे 10-10 पोर्टल से, यानी कि 10-10 से लेके 11-11 पोर्टल तक मेरी क्लासेजेस शुरू हो रही हैं, जिसमें ये जो मेडिटेशन मैं कराने वाली हूँ, एक्चुअली मैंने कराने वाली तो ये थी कि मुझे जो नवरात्रे हैं उसमें मैं हाई पावर को एक्टिवेश कराने वाली या कुछ ऐसे मेडिटेशन में कराने वाली थी, बट सडनली मेरे मतलब मुझे जो चैनल हुआ कि मुझे इन इन चीज़ों पे मेडिटेशन कराने हैं, तो फिर मैंने उस चीज़ को, हालांकि मैंने पोस्ट भी किया था, लेकिन मैंने उस चीज़ को ना करा करके दूसरे जो कि मैंने कल रात को पोस्ट किया है वो वाले मेडिटेशन मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसमें मुझे भी नहीं पता था लेकिन मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज मिला है कि जो डीएम एंड डीएफ होते हैं, जो उनकी एनर्जी चार्ट होता है उसको हील करना, वहाँ पे जो स्टॉप्स लगे हुए हैं इनकी एनर्जी जो कनेक्ट नहीं हो पा रही है एक दूसरे से, जो लॉन्ग सेपरेशन में है, तो उनकी एनर्जी को कैसे हील करना है, कैसे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो कैसे कोड कट करवा के उनकी एनर्जी को हील करवाना, यानी कि मुझे खुद से चार्ट बनाना होगा आपकी एनर्जी का, आपके पार्टनर की एनर्जी का, और फिर वहाँ जाके हमें काम करना है, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेज, आई मीन कुछ ऐसे भी मुझे मेडिटेशन बताएं कि मुझे कर्मा रिलीज़ करवाना है, कर्मा हील करवाना है, थर्ड पार्टी हील करवाना है। दूसरी बात, आपकी कुंडलिनी जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, या फिर जिनकी भी कुछ एनर्जी जो रूट चक्रा पे या सैक्रल चक्रा पे या कहीं ना कहीं जाके एक चक्रा पे स्टक हो गई है, उस एनर्जी को आगे लेके जाना है, कुंडलिनी आपकी हील एंड क्लींजिंग करवाने का भी मुझे मैसेज मिला है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपकी फिजिक्स जो पावर है, यानी साइकिक जो पावर है आपकी, उन साइकिक पावरों को एक्टिवेट करवाना एंड आपके इंट्यूशन लेवल से जोड़ना, क्योंकि अब जो वक्त आया है वो वॉरियर की एनर्जी में आया है, तो डिवाइन आपको चाहते हैं कि वॉरियर के रूप में आने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप पे काम करें। जो लोग अपने आप पे काम कर रहे हैं उनका बेल डन है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए ऐसे जो मुझे मैसेजेस में मिले हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैंने कमेटी पोस्ट में डाला हुआ है, शायद मैं एक दो टॉपिक भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे याद इसलिए नहीं था क्योंकि वो मुझे चैनल मैसेज में मिले हैं, ठीक है। तो एक बार आप वहाँ पे जाके देख लेना कमेटी पोस्ट में, अगर आपको लगे कि मेरे साथ जुड़ना है, मेरी वाइब्रेशन से जुड़ के आपको अपनी वाइब्रेशन को हील करना है एंड अलाइनमेंट में आना है, तो आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे रियूनियन वाले मेडिटेशन भी होंगे, तो जो भी है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलना चाहूँगी, आई होप आपके साथ में एनर्जी रेजोनेट हुई है, और प्लीज़ डिवाइन सोल फैमिली मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी चीज़ को ना दिल से नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ स्टेप बाय लेवल्स आएंगे आपकी लाइफ में, उनमें फंसना नहीं है। और 11-11 नंबर आपको ना बहुत सारा पॉजिटिविटी एंड बहुत सारी प्रोटेक्शन दे रहा है, बहुत सारा प्यार आपको दे रहा है, बस थोड़ी सी चीज़ों से बचने के लिए आपको गाइड भी कर रहा है। तो प्लीज़ अपने आप को बचाइए उन ऊर्जाओं से जो एनर्जी आपकी एक वैम्पायर के रूप में आपसे एनर्जी को खींच रही है, एनर्जी को मतलब आपसे चूस रही है, उन एनर्जियों को दूर रखिए, अपने आप को दूर रखिए, एंड उन चीज़ों में, उन पैटर्नों में अपने थॉट्स को लेके मत जाइए, अपने इमोशंस को लेके मत जाइए, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है डैमेज हो, राइट। तो ये आपको करना है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है, बाय बाय।